नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे साल 1989 से साल 2023 के सभी हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी के बारे में। तो आइए जानते हैं कि वे कौन कौन सी फिल्में हैं जिसने अपने रिलीज के साल में ताबड़तोड़ कमाई करके सारे फिल्मों को पीछे छोड़कर उस साल के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को अपने नाम किया और कमाई के मामले में नंबर वन मूवी बनी। 1989 में सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर मूवी मैंने प्यार किया, जिसने 14 करोड़ का कलेक्शन करके साल 1989 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 1990 में आमिर खान और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी दिल, जिसने 10 करोड़ का कलेक्शन करके साल 1990 की हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बनी। उसके बाद साल 1991 में सलमान खान, संजय दत्त और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी साजन, जिसने 10 करोड़ का कलेक्शन करके साल 1991 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 1992 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी बेटा, जिसने 13 करोड़ का कलेक्शन करके साल 1992 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 1993 में गोविंदा, चंकी पांडे, शिल्पा शिरोडकर और रितु शिवपुरी स्टारर मूवी आंखें, जिसने 14 करोड़ का कलेक्शन करके साल 1993 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 1994 में सलमान खान और माधुरी दीक्षित स्टारर मूवी हम आपके हैं कौन, जिसने 72 करोड़ 47 लाख का कलेक्शन करके साल 1994 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 1995 में शाहरुख खान और काजोल स्टारर मूवी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जिसने 53 करोड़ 30 लाख का कलेक्शन करके साल 1995 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 1996 में आमिर खान और करिश्मा कपूर स्टारर मूवी राजा हिंदुस्तानी, जिसने 43 करोड़ 15 लाख का कलेक्शन करके साल 1996 की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 1997 में सनी देओल, सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना, तब्बू और पूजा भट्ट स्टारर मूवी बॉर्डर, जिसने 39 करोड़ 46 लाख का कलेक्शन करके साल 1997 की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 1998 में शाहरुख खान, काजोल और रानी मुखर्जी स्टारर मूवी कुछ कुछ होता है, जिसने 46 करोड़ 87 लाख का कलेक्शन करके साल 1998 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 1999 में सलमान खान, मोहनीश बहल, सैफ अली खान, तब्बू, करिश्मा कपूर और सोनाली बेंद्रे स्टारर मूवी हम साथ साथ हैं, जिसने 39 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन करके साल 1999 की सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 2000 में ऋतिक रोशन और अमीषा पटेल स्टारर मूवी कहो ना प्यार है, जिसने 44 करोड़ 28 लाख का कलेक्शन करके साल 2000 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2001 में सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर मूवी गदर एक प्रेम कथा, जिसने 76 करोड़ 88 लाख का कलेक्शन करके साल 2001 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 2002 में शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय, माधुरी दीक्षित और जैकी श्रॉफ स्टारर मूवी देवदास, जिसने 41 करोड़ 66 लाख का कलेक्शन करके साल 2002 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2003 में ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा स्टारर मूवी कोई मिल गया, जिसने 47 करोड़ 20 लाख का कलेक्शन करके साल 2003 की हाईएस्ट कलेक्शन करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 2004 में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा और रानी मुखर्जी स्टारर मूवी बीरजारा, जिसने 41 करोड़ 86 लाख का कलेक्शन करके साल 2004 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2005 में सलमान खान, अनिल कपूर, बिपाशा बसु, फरदीन खान, सेलिना जेटली और ऐसा देओल स्टारर मूवी नो एंट्री, जिसने 44 करोड़ 72 लाख का कलेक्शन करके साल 2005 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। उसके बाद साल 2006 में ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा, ऐश्वर्या राय और बिपाशा बसु स्टारर मूवी धूम 2, जिसने 81 करोड़ 1 लाख का कलेक्शन करके साल 2006 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2007 में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण स्टारर मूवी ओम शांति ओम, जिसने 78 करोड़ 17 लाख का कलेक्शन करके साल 2007 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2008 में आमिर खान, आसिन और जिया खान स्टारर मूवी गजनी, जिसने 114 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2008 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2009 में आमिर खान, शर्मन जोशी, आर माधवन और करीना कपूर स्टारर मूवी थ्री इडियट्स, जिसने 202 करोड़ 95 लाख का कलेक्शन करके 2009 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2010 में सलमान खान और सोनाक्षी सिन्हा स्टारर मूवी दबंग, जिसने 141 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2010 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2011 में सलमान खान और करीना कपूर स्टारर मूवी बॉडीगार्ड, जिसने 145 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2011 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2012 में सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी एक था टाइगर, जिसने 198 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन करके साल 2012 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2013 में आमिर खान, अभिषेक बच्चन, उदय चोपड़ा और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी धूम 3, जिसने 284 करोड़ 27 लाख का कलेक्शन करके साल 2013 की हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बनी।
उसके बाद साल 2014 में आमिर खान, सुशांत सिंह राजपूत और अनुष्का शर्मा स्टारर मूवी पीके, जिसने 340 करोड़ 80 लाख का कलेक्शन करके साल 2014 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद 2015 में सलमान खान और करीना कपूर स्टारर मूवी बजरंगी भाईजान, जिसने 321 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2015 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2016 में आमिर खान, जायरा वसीम, फातिमा सना शेख और सानिया मल्होत्रा स्टारर मूवी दंगल, जिसने 387 करोड़ 38 लाख का कलेक्शन करके साल 2016 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2017 में सलमान खान और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी टाइगर जिंदा है, जिसने 339 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन करके साल 2017 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2018 में रणबीर कपूर, अनुष्का शर्मा, विकी कौशल, सोनम कपूर और परेश रावल स्टारर मूवी संजू, जिसने 342 करोड़ 53 लाख का कलेक्शन करके साल 2018 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2019 में ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ और बानी कपूर स्टारर मूवी वार, जिसने 317 करोड़ 91 लाख का कलेक्शन करके साल 2019 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2020 में अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल स्टारर मूवी तान्हाजी द अनसंग वॉरियर, जिसने 279 करोड़ 75 लाख का कलेक्शन करके साल 2020 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2021 में अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ स्टारर मूवी सूर्यवंशी, जिसने 196 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2021 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2022 में रणबीर कपूर, अमिताभ बच्चन और आलिया भट्ट स्टारर मूवी ब्रह्मास्त्र पार्ट वन, जिसने 249 करोड़ 57 लाख का कलेक्शन करके साल 2022 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। उसके बाद साल 2023 में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, नयनतारा और विजय सेतुपति स्टारर मूवी जवान, जिसने 643 करोड़ का कलेक्शन करके साल 2023 की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी बनी। फिल्म जवान बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।